हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, जो कि होने वाला है की एलिमेंट्स ऑफ अ बिजनेस प्लान। तो बिजनेस प्लान में ऐसे कौन कौन से की एलिमेंट्स होते हैं जो कि आपको याद रखने हैं जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। बट उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो बेल आइकन है इसे दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। आप जब हमारे चैनल पे आए हैं कॉमर्स की पाठशाला पे, तो मैं चाहूंगा कि आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाएं। यहाँ पे आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करके जाना है और इग्नू बीकॉम न्यू वाला जो नाम है सेक्शन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर सारी की सारी वीडियोस जो है मिल जाएंगी। सारे के सारे सब्जेक्ट्स के आपको एक्सक्लूसिव प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, जिसके अंदर ढेर सारे वीडियोस हैं जिनको देख करके आप अच्छी तरीके से अपनी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबर बन सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, आपको इस जाने वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से बीकॉम में जाना है और यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल का मेंबरशिप का प्लान ले सकते हैं। ठीक है, पेमेंट कर देने के बाद नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पे आपको व्हाट्सएप का लिंक शो करेगा। इस लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है और क्लिक करके आपको हमें ज्वाइन कर लेना है। इसके बेनिफिट्स है बहुत सारे, आपको 24/7 सपोर्ट मिलेगा जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। 40% डिस्काउंट पे आपको नोट्स मिल जाएंगे अगर आपको चाहिए। हालांकि उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं वेबसाइट पे भी अपने नोट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट में अपलोड करने वाला हूँ, तो आप वहां से भी पढ़ाई ठीक तरीके से कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर आपको असाइनमेंट्स चाहिए तो वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दी जाएंगी हमारे चैनल की तरफ से। बट देर इज जस्ट वन कंडीशन दैट यू विल हैव टू बिकम आर मेंबर। जैसे आप ट्यूशंस पढ़ते हैं वैसे ही आपको हमारे पास से ट्यूशंस करनी है और फीस भी जो है बहुत ही कम यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, चलते हैं फिर हमारे आज के टॉपिक की तरफ, जो कि है की एलिमेंट्स ऑफ अ बिजनेस प्लान। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। सो एग्जीक्यूटिव समरी, मैं थोड़ा पॉइंट्स को पहले बता देता हूँ। सबसे पहला होता है एग्जीक्यूटिव समरी, अगला होता है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, उसके बाद है फाइनेंशियल प्लानिंग, उसके बाद है मार्केट एनालिसिस, उसके बाद है मार्केट स्ट्रेटेजी और उसके बाद है फिर बजट। तो ये 5-6 पॉइंट्स हैं, 3 और 3 6, ये 6 पॉइंट्स हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं और ये 6 पॉइंट्स जो है यही एलिमेंट्स हैं किसी भी बिजनेस प्लान के। राइट, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो इट इंक्लूड्स अ ब्रीफ स्टेटमेंट अबाउट द मिशन ऑफ द कंपनी, इट्स लोकेशन, ऑपरेशन एंड लीडरशिप। तो एग्जीक्यूटिव समरी जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज होती है, जहां पे कंपनी के बारे में जानकारी होती है कि कंपनी का क्या मिशन है। एक ब्रीफ स्टेटमेंट होता है जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि कंपनी का क्या मिशन है, कंपनी क्या अचीव करना चाहती है, कंपनी किस लोकेशन पे है, उसका ऑपरेशन किन किन चीजों में है और इसका लीडरशिप जो है वो किसके हाथ में है, मतलब कौन सीईओ है, कौन सीएमओ है ना। इस तरह की जानकारी जो है एग्जीक्यूटिव समरी में लिखी हुई रहती है। तो बिजनेस प्लान का सबसे पहला जो की एलिमेंट है वो है एग्जीक्यूटिव समरी, उसमें ये सारी जानकारियां आपको मिल जाएंगी। अगला है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो बिजनेस प्लान में प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की जानकारी होती है। सो इन दिस सेक्शन डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू बी ऑफर्ड बाय द कंपनी आर गिवन। तो जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कंपनी ऑफर कर रही है आपको उसकी जानकारी यहाँ पे होगी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वाले सेक्शन में। इट मे इंक्लूड सेल्स ऑफ स्केल ऑफ प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, प्राइसिंग एंड लाइफ स्पैन ऑफ द प्रोडक्ट एंड स्पेशल ऑफर्स इफ एनी, है ना। तो यहाँ पे और भी बहुत तरह की चीजें हो सकती हैं, जैसे कि स्केल ऑफ प्रोडक्शन हो सकता है, आपकी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी कौन सी आप इस्तेमाल कर रहे हो वो जानकारी वहाँ पे हो सकती है, प्राइसिंग क्या होने वाला है उसकी जानकारी हो सकती है, आपके प्रोडक्ट का लाइफ स्पैन कैसा है और कोई स्पेसिफिक अगर आप ऑफर दे रहे हो अपने कस्टमर्स को तो वो जानकारी भी आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वाले ऑप्शन में आपको मिल जाएगी। राइट, तो बिजनेस प्लान का दूसरा पॉइंट हो गया प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अगला है फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। राइट, किसी भी बिजनेस प्लान में फाइनेंसिंग करना, कहाँ पे आपको पैसों की जरूरत है, कहाँ से आप पैसा लेकर के आओगे, तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो इन दिस सेक्शन कंपनीज प्लान्स टू रेज कैपिटल फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज आर गिवन। तो यहाँ पे एक तरीके से कंपनी का प्लान दिया हुआ रहता है कि कंपनी किस तरीके से मार्केट से पैसे रिसीव करेगी, उठाएगी या लोन लेगी या क्या करेगी, तो उसके बारे में सोर्सेज जो है वो वहाँ पे मेंशन किए हुए रहते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग वाले सेक्शन में। It includes financial statements, balance sheet and other financial information for already established businesses. तो इसमें एक तरीके से जो financial statements होती हैं, balance sheets होता है, financial information होता है जो कि already established business का है, वो सारी जानकारी यहाँ पे आपको mentioned मिल जाएगी, है ना? New enterprises give details of the target sources and investors. तो जो नए enterprises होते हैं वो एक तरीके से आपको target sources आपको वहाँ पे लिखे हुए रहते हैं और जो आपका target investor है कि आप यहाँ से चाहते हैं कि पैसे आप उठाओ, उसकी जानकारी भी आपको वहाँ पे मिलती है। ठीक है, बिजनेस प्लान में चौथा पॉइंट है मार्केट एनालिसिस। तो इस सेक्शन में आपने जो मार्केट एनालिसिस करा है उसकी जानकारी वहां पे रहेगी। आपने मार्केट को चेक करा है, अपने स्वॉट को आपने चेक करा है, स्ट्रेंथ वीकनेस, है ना, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ये जानकारियां आप इकट्ठा करते हो। राइट, सो मार्केट एनालिसिस में ये सारी चीजें आ जाएंगी। सो दिस सेक्शन
इनकॉर्पोरेट्स डिटेल्स ऑफ द टारगेट मार्केट्स एंड अदर कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट्स इन द ऑलरेडी ऑलरेडी इन द मार्केट, है ना। तो यहाँ पे एक तरीके से आपको अपने टारगेट मार्केट के बारे में जानकारी आप देते हो जब आप मार्केट एनालिसिस करते हो, साथ ही साथ जो कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट्स हैं, है ना, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया तो दूसरी कंपनी ने भी सेम प्रोडक्ट बनाया हुआ है तो वो आपके लिए कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट हो गया, राइट। तो वो किस तरीके से आपकी कंपनी को एक तरीके से कंपटीशन प्रोवाइड कर रहा है और क्या क्या उसका इंपॉर्टेंस है, किस किस तरीके से आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं अपने कंपटीशन को, मार्केट एनालिसिस में इस तरह की जानकारियां जो है वहां पे इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। अगला है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। सो इन रिलेशन टू द मार्केट एनालिसिस, व्हाट स्ट्रेटजीज कंपनी विल अडॉप्ट टू बी सक्सेसफुल इन द कंपटीशन टू द अदर प्रोडक्ट्स आर डिटेल्ड इन दिस सेक्शन। तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी में आपके पास पूरी जानकारी लिखी हुई होती है जिसमें आपका ये लिखा हुआ रहता है कि जो आपका कॉम्पिटिटिंग प्रोडक्ट्स है जिसके साथ आप कम्पीट कर रहे हो उसको किस तरीके से आप ओवरकम करोगे, अपने प्रॉब्लम्स को किस तरीके से आप मार्केट में कम्पीट करोगे, आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, मार्केट एनालिसिस क्या होगी, इसके बेसिस पे आप जो है सारी की सारी जानकारियां मार्केटिंग स्ट्रेटजी वाले सेक्शन में आप इंक्लूड करते हो, लिखते हो। The pricing and special offers to attract the customers are discussed here. और इसी में जो है आपके प्रोडक्ट की क्या प्राइसिंग होगी और उसे कौन कौन से आप इंपॉर्टेंट ऑफर्स उनको दोगे ताकि लोग जो है आपके तरफ एक तरीके से खींचे चले और आपके प्रोडक्ट को लेने लगे, ये जानकारियां भी वहां पे लिखी हुई रहती है। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में आपको स्ट्रेटेजी बनानी होती है कि आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे बेचोगे, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं दूसरी कंपनीज के आप उनके साथ कैसे कम्पीट करोगे, ये जानकारियां यहाँ पे होती हैं, राइट। बजट की अगर हम बात करें, इट टेक्स इनटू अकाउंट डिफरेंट कॉस्ट रिलेटेड टू डेवलपमेंट, स्टाफिंग, मैन्युफैक्चरिंग, पब्लिसिटी एंड मार्केटिंग। तो बजट में एक तरीके से जो खर्चे आपके होने वाले होते हैं, आप एक एस्टिमेट बजट बनाते हो कि इस चीज में हमारा इतना खर्चा है, तो डेवलपमेंट के ऊपर, स्टाफिंग के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग, पब्लिसिटी और मार्केटिंग के ऊपर आपका कितना खर्च होगा, उससे रिलेटेड आप एक बजट तैयार करते हो और उस बजट को आप अपने बिजनेस प्लान में इंक्लूड करते हो, राइट। तो ये बिजनेस प्लान के टोटल 6 पॉइंट्स है जो मैंने अभी आपको बताए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जो कि जब भी बिजनेस प्लान तैयार होता है तो उसमें इन सब चीजों का इस्तेमाल जो है होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, थैंक यू।